गांवों को कूड़े कचरे से निजात दिलाने और साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण फेज टू के अंतर्गत कार्य शुरू हो गया है। बरेली के 76 गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए चयनित किया गया है। गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कार्य किया जा रहा है, साथ ही कूड़ा कलेक्शन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को लगभग 40 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की जाएगी, जिसमें गांवों में ओडीएफ प्लस के कार्य करवाए जाएंगे। ओडीएफ प्लस में चयनित विकासखंड बिथरी चैनपुर के गांव भरतौ के लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। ऐसी है जिसका डीपीआर बनाकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसका बनाकर शासन को भिजवा दिया गया है। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो गांव में कार्य कराए जाने हैं, जैसा कि कूड़ा कलेक्शन, जैसा सबसे पहले तो सोर्स पे कूड़ा कलेक्शन हो, फिर एक एमआरएफ सेंटर हो जहां पर कूड़े से जो सेग्रीगेशन जो कूड़े का होता है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, और उसके बाद में गीले कूड़े का जो किस प्रकार उसको वर्मी कंपोस्ट से हम और बेहतर कर सकते हैं, और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है तो उनसे संबंधित जैसे सोखता गड्ढा हो गया, फिर अन्य जो है इस प्रकार के कार्य की एक योजना बनाई जानी है। तो 10 कार्यों की योजना जो है वो भेजी जा चुकी है। लगभग 40 लाख के हर ग्राम पंचायत को धनराशि मिलेगी जिसमें कार्य कराने हो।